शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी भी दूसरे सामान बाजार की तरह ही यह भी होता है, जहां पर जाकर लोग शेयर खरीदे और बिक्री करते हैं, खरीद बिक्री का काम करते हैं। यह मार्केट पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक संकेत और मुद्रा और RBI की नीति के आदि पर निर्भर रहता है। इसमें निवेशक को निवेश करते समय शुरुआती दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसको अच्छी तरह से जान लेने के बाद में उसका यह अनुभवी खिलाड़ी बन जाता है। तो शेयर मार्केट क्या है ये तो आसान बात में जान गए, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, इसके लिए होता है। जैसे बहुत सारा ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, 5paisa ऐप है, बहुत सारा ऐप है मार्केट में अवेलेबल है। तो नया जो आदमी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए नया सबसे अच्छा है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप में आप आके आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप उस पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और पैन कार्ड के सहायता से आप आराम से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसमें पैसा ऐड करके और आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक भी खरीद के रख लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ग्रो ऐप पे बहुत सारा अवेलेबल है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आदमी करता है। हमको सबसे अच्छा ग्रो ऐप पे IPO में अप्लाई करने के लिए भी ग्रो ऐप सबसे आसानी से IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप नया यूजर के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है अभी तक हमको। तो मार्केट तो डाउन जा रहा है, आज भी मार्केट डाउन गया है, तो इसमें आसानी से आप दूसरा वीडियो में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। स्टॉक में इन्वेस्ट करता है आदमी तो उसके लिए आदमी को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ठीक रहता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब आपको दूसरे वीडियो में हम बताएँगे।